यहां जो दुनिया में जो सबसे बड़ा ऐब है ना वो क्या है, मौत। सबसे बड़ा ऐब क्या है इस दुनिया का, मौत, और इससे कोई भाग नहीं सकता। व्हाट्सएप पे कल मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि कोई फिल्मी अदाकार है, उसको कैंसर हो गया, बड़ा मशहूर अदाकार, उसको कैंसर हो गया। तो उस क्लिप में ये था कि अब वो लोगों को बता रहा है हंस हंस के कि देखो मैं कैंसर से लड़ूंगा, और मैं एक्चुअली मैं गमों से लड़ना चाहिए, उसके सामने हथियार नहीं डालना चाहिए, और हम क्या है कि, यानी इसमें बताया जा रहा है कि देखो हम फिर भी खुश हैं। तो मेरे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा ये अंदर से खुश नहीं है, ठीक है ना, अंदर से खुश नहीं है। मैंने कहा इससे दो इबरत, नंबर एक, ये जो फिल्मी अदाकार होते हैं ये अपनी सेहत के लिए जो कोशिशें करते हैं हम और आप उसका सोच भी नहीं सकते। मैं और आप ज्यादा ज्यादा ये करेंगे ना कि यार निहार मुंह सेब खा लो, हमारे सेहत के यही टोटके होते हैं, पानी तो हमने यही पीना है ना। अबे भाई क्या हो गया, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है ये जो हम पी रहे हैं, इसका फॉर्म टेस्ट नहीं करवाओ, इसको पी लो। ये अपनी सेहत के लिए वो कुछ करते हैं। मेरे कुछ कांटेक्ट, कुछ अदाकार वगैरह भी हैं जो मुझसे रابطہ करते हैं ना मसाइल हल पूछने के लिए, तो मैं उनसे कभी कभार इन अदाकारों के बारे में पूछता हूं, तो वो कहते हैं कि ये लोग वहमियों की हद तक अपनी सेहत की हिफाजत करते हैं, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। एक अदाकार था, वो उसने तौबा कर ली, उसने मुझे बताया कि 7:30 बजे के बाद मैंने जो शूटिंग के दौरान लोगों को देखा, सब नहीं हो मुमकिन है, वो खाते नहीं है खाना, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं 7:30 बजे के बाद खाना सेहत के लिए शाम को नुकसानदेह, 7:30 बजे के बाद अब डाइटिंग, चर्बी ना पैदा हो जाए, फैट ना इतनी। और वो जो अदाकार वो भी करोड़ रुपए के मालिक, पानी इनका बाहर से पैक आ रहा है, जरासीम से बिल्कुल पाक, और क्या हो गया जवानी में कैंसर खतरनाक। अब पब्लिक के सामने मुस्कुराने के हम लड़ रहे हैं, और हम मौत से लड़ेंगे, मौत से लड़के दिखाएंगे, मौत से किसी का बाप भी नहीं लड़ सकता। असल में इस वक्त इबरत होनी चाहिए, देखो सारी जिंदगी नाच गाने करके अपनी शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, अब दुनिया मुंह मोड़ रही है, और जिस दुनिया के लिए तुमने इतनी मेहनत की वो टाटा करने लगी है कि अब तुम्हारे जवाल का वक्त, बोलो भाई, आ गया है। अब तुम्हें कोई भी मौत से और मिट्टी में उतारने से, और वो क्योंकि फंकार हिंदू है तो इसका मतलब अब तुम्हें आग में जलने से कोई भी नहीं बचा सकता। इबरत का मौके है, जहां तक पहुंचना था पहुंच गए, अल्लाह के लिए तुमने कुछ नहीं किया, मखलूक को खुश करने के लिए तुम नाचे, नाजायज काम किए तुमने, कोई हलाल और हराम की तुम्हें फिक्र नहीं थी, तौहीद क्या है, अल्लाह कौन है, उसका रसूल कौन है, इन चीजों की परवाह नहीं की, तुमने पैसे भी कमा लिए, शोहरत भी कमा ली। अब अल्लाह दुनिया में दिखा रहा है कि इस शोहरत को अब जवाल का वक्त शुरू हो गया, फीकी फीकी मुस्कुराहटें लोगों के सामने करो, पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हो, अपने बनाने वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते। और कैंसर के बाद हाल क्या होता है, जो इलाज होता है, जो कीमोथेरेपी वगैरह होती है, सर के बाल सारे गायब, अब सुकड़ना शुरू, और ये अभी हालत अच्छी है, अब हर आने वाला दिन आपके लिए पहले से बदतर साबित होगा। तो आप जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, इससे बिल्ली की आंखें बंद नहीं होती, तो आप भी मौत को देख के और इस जवाल को देख के आंखें बंद करोगे तो ना मौत की आंखें बंद होती हैं, ना इस दुनिया की जवाल की आंखें बंद होती हैं। इसलिए शायर, अरब शायर साहबी ने एक बड़ा जबरदस्त कहा, लाकिन नहा खुल्लतुन कद सीता मिन दमिहा फजउन व वलउन व इखलाफुन व तब्दीलू। बड़ी प्यारी बात कही यहां काब इब्ने ज़ुहैर, बड़े जबरदस्त साहबी थे, शायर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठ के उन्होंने शेर कहा अपनी महबूबा के, जो ज़माने जाहिलियत में महबूबा थी, बड़ी तारीफें की, पहले ऐसी तारीफें की है ना कि आदमी कहता है यार मेरी भी कोई महबूबा हो तो बड़ा अच्छा है, यानी महबूबा की ना बहुत हुस्न, आगे फिर उसका जो नक्शा खींचा उन्होंने कि ये देखने की हद तक अच्छी है, हकीकत में अच्छी नहीं है, वो बड़े प्यारे शेर हैं, लाकिन नहा खुल्लतुन कद सीता मिन दमिहा, लेकिन ये एक सी दोस्ती है कि इसके खून में एक चीज शामिल कर दी गई है, फजउन झूठ बोलना, दिखाती कुछ है हकीकत में वो कुछ होता नहीं है, दुनिया की बुराई बयान कर, दुनिया क्या दिखाती है कि मैं तुम्हें शोहरत दूंगी, इज्जत दूंगी, आसमान तक ले जाऊंगी, हकीकत में वो कह रही होती है थोड़ा सा ऊपर जा, बहुत जोर से पटकूंगी नीचे, जैसे एक कंजूस आदमी बिल्डिंग में ना नीचे आके अपनी महबूबा को आंख के इशारे करता रहता था, तो अब महबूबा ने उसको बेवकूफ बनाने के लिए क्या किया, बोला इशारा किया ऊपर आ जाओ, बेचारा सीढ़ियों से चलते चलते ऊपर पहुंचा,
तो जब वो ऊपर आया तो उसके हाथ में चवन्नी पकड़ा के जैसे भिखारियों को दी जाती, बोला वापस जाओ। तो यही है दुनिया, आपको बुलाएगी बुलंदियों तक, उसके बाद चवन्नी पकड़ा के फेंक देगी वापस, चवन्नी भी नहीं पकड़ाती है। तो कद सीत मिन दमिहा फजउन, झूठ व वलउन व इखलाफ व तब्दीलू, वादा खिलाफी मुलम्मा साजी। मुलम्मा साजी से कहते हैं कि यानी नजर कुछ आ रहा है हकीकत कुछ और हो, और तब्दील और गिरगिट की तरह रंग बदलना। एक हालत पे ये दुनिया कायम नहीं रहती, इसके खून में अल्लाह ने बेवफाई को शामिल कर दिया। माइकल जैक्सन भी अदाकार था, कहां तक तरक्की करते करते पहुंचा, जब उसका सबसे बड़ा तारीखी प्रोग्राम होने वाला था, रात को सोया है, सुबह पुलिस भी नहीं उठा सकी उसको। सुबह पुलिस आई, उठा यार, हम लोगों ने कहा हमसे नहीं उठ रहा भाई, हैं इतना बड़ा करोड़ों रुपए के टिकट, अरबों रुपए के टिकट बिक चुके हैं, इतना बड़ा अदाकार है, अभी तो इसका उरूज का वक्त, अभी तो जवान है, इसने करोड़ों रुपए तो अपनी सेहत पे खर्च कर दिए, चार डॉक्टर हर वक्त इसके साथ घूमते हैं कि कुछ हो ना जाए, तो हो क्यों गया? तो मुमकिन है पुलिस बुलवाई गई, यार पुलिस उठा देगी, अमरीका की पुलिस भी उसको नहीं उठा सकती। तो ऐसी है मौत मेरे भाई, इसलिए ये फनकारों अदाकारों की इज्जत पे कभी राल मत टपकाया करो। रंगरलियों पे जमाने की न जाना ऐ दिल, ये खिजा है जो बअंदाज़े बहार आई है। इसलिए हकीकत में जिंदगी अहलुल्लाह ही की सही होती है, जो खामोशी से अपने हुजरे में खड़े अल्लाह के सामने दुआएं मांग रहे होते हैं, इबादत की तौफीक मिलती है। उनके दिन जैसे जैसे मौत के करीब आते हैं, उनकी खुशी में इजाफा होता है कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त आने वाला है। तो जब इनकी चिताओं को जलाया जाता है ना, देखा करो यूट्यूब पे, इनके डांस ना देखो, चिताओं को देखो, और अगर शैतान कभी इनका डांस दिखा दे तो फिर इनकी चिता को जलता हुआ भी देखा करो। ये वही है जिसके डांस देख देख के मैं खुश हो रहा था, अब जरा इसकी चिता को जलता हुआ देख के भी देखो कि ये है, सही है ना, और इसकी राख का जो पाउडर बना के दरियाओं में फेंकते हैं ना, उसको भी देखा करो। ये है दुनिया जो सलाम करके चली जाती है, ये सलाम मुतारकत का सलाम, इज्जत वाला नहीं कहते ना अस्सलाम वालेकुम रास्ता, दुनिया कहती है हमने आपको बहुत बढ़ाया, बहुत इज्जत हुई और लोग आप पे मरते थे, अब आपका टाइम पूरा हो गया है, जो करना था वो कर लिया, अब अस्सलाम वालेकुम। कैंसर है, अब आपका गोश भी गलेगा और कब्र की तैयारियां शुरू, थोड़े दिन दो चार दिन लोग आएंगे सेल्फियां बनाएंगे आपकी मैयत के साथ, सेल्फियां बना के उसके बाद दो चार दिन के बाद भूल भुलैया थे अब नहीं है, चले गए।